साथियों, मैं आज आपकी खिदमत में जो हाजिर हुआ हूँ वो इस मसले के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जो आजकल ओखला का माहौल जो गरमाया हुआ है वक्फ बोर्ड के को लेकर, वो करप्शन का मामला है, कौम का मामला नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वो करप्शन का मामला है, वो चोरी का मामला है, वो वक्फ बोर्ड में लूट का मामला है। जो लोग आज चौकीदारी और पहरेदारी कर रहे हैं, वो चौकीदारी और पहरेदारी नहीं कर रहे, वो अपनी हिस्सेदारी के लिए बैठे हैं, हिस्सेदारी का मामला है उन लोगों का। तो और मैं मसूद आलम, ओखला विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बिल्किस बानो के लिए अरविंद केजरीवाल के पास जाते तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा होता। अगर आप जिस टाइम निज़ामुद्दीन मरकज पे दिल्ली सरकार ने ताला लगवाया था FIR करा के, अगर आप जाके वो ताला तोड़ते तो पुलिस आपको अरेस्ट करती, उससे पहले मैं आपके साथ खड़ा हुआ होता। अगर आप दिल्ली दंगों को लेके अरविंद केजरीवाल के पास जाते तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ होता। दिल्ली के शाहीन बाग में जो CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था और जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें लोगों के ऊपर UAPA लगा हुआ है, हमारे कितने सारे साथियों के साथ, जामिया वालों के साथ UAPA लगा हुआ है, वो दिल्ली सरकार ने UAPA लगवाया। अगर आप केजरीवाल से उसकी बात करने जाते तो मैं आपके शाना बशाना कंधा में लगाकर आपके साथ खड़ा हुआ होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इसको भी कौम का मसला कह रहे हैं, जबकि ये कौम का मसला नहीं है, ये करप्शन का मसला है। आप सोचिए, ये चोरी का मसला है, ये लूट का मामला है, ये वक्फ बोर्ड में लूट का मामला है, ये वो वक्फ बोर्ड जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कौम की डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया था, सरमाया दिया था। अस्सलामुअलैकुम।